नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में एप्लिएशन टोनोमीटर के बारे में आपको बताने वाले हैं कि एप्लिएशन टोनोमीटर क्या होता है, एप्लिएशन टोनोमीटर कितने टाइप के होते हैं, एप्लिएशन टोनोमीटर के प्रोसीजर क्या है। तो आज हम इस वीडियो में एप्लिएशन टोनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने अटेंशन टोनोमीटर यानी कि सेओस टोनोमीटर के बारे में आपको बताया था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाके वह वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी वह वीडियो देख सकते हैं। तो एक एप्लिएशन टोनोमीटर का यूज़ एक इंट्रा ओकुलर प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। टोनोमीटर दो टाइप के होते हैं, अटेंशन टोनोमीटर और एप्लिएशन टोनोमीटर। तो इस वीडियो में हम एप्लिएशन टोनोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एप्लिएशन टोनोमीटर में सबसे पहले है गोल्डमैन एप्लिएशन टोनोमीटर, दूसरे नंबर पे है पर्किंस एप्लिएशन टोनोमीटर, तीन नंबर पे है पैनोमेटिक एप्लिएशन टोनोमीटर, चार नंबर पे है प्लस एयर एप्लिएशन टोनोमीटर और पाँच नंबर पे है टोनोपेन एप्लिएशन टोनोमीटर। तो सबसे पहले हम गोल्डमैन एप्लिएशन टोनोमीटर के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। गोल्डमैन एप्लिएशन टोनोमीटर बहुत ही पॉपुलर और एक एक्यूरेट टोनोमीटर है। गोल्डमैन एप्लिएशन टोनोमीटर में डबल प्रिज्म लगे होते हैं और जो एप्लिएशन टोनोमीटर होता है वह एक स्लिट लैंप पे एडजस्ट होता है। जो एप्लिएशन टोनोमीटर का जो प्रिज्म होता है उसका जो डायमीटर होता है वह 3.06 mm होता है, जो कि एक इंट्राओकुलर प्रेशर की रीडिंग देता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह एक एप्लिएशन टोनोमीटर है और यह एक स्लिट लैंप पे एडजस्ट होता है और यह जो आप देख रहे हैं यह एक एप्लिएशन टोनोमीटर का प्रिज्म है और जो कॉर्निया है उसका जो अपेक्स है तो उस अपेक्स से उस प्रिज्म को टच किया जाता है। तो इसी के आधार पे एक इंट्राओकुलर प्रेशर की रीडिंग नोट की जाती है। तो अब गोल्डमैन एप्लिएशन टोनोमीटर की जो प्रोसीजर है, टेक्निक है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो पेशेंट है उस पेशेंट को स्लिट लैंप के सामने बिठाया जाता है और उस पेशेंट की आँख में टॉपिकल एनेस्थीसिया यानी कि प्रोपेराकेन आईड्रॉप डाली जाती है और उसके बाद में आँख की जो टीयर फिल्म है उसको फ्लोरोसिन सोडियम स्ट्रिप से स्टेन किया जाता है। दोस्तों, एक कॉर्निया को फ्लोरोसिन सोडियम से कैसे स्टेन किया जाता है उसका भी हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद में जो बायोप्रिज्म होता है उसको कोबाल्ट ब्लू लाइट से ऑन किया जाता है और जो बायोप्रिज्म है उसको धीरे धीरे कॉर्निया के नज़दीक लाया जाता है। तो जो बायोप्रिज्म है उसको कॉर्निया तक धीरे धीरे लाया जाता है जब तक कि जो बायोप्रिज्म है वह कॉर्निया के अपेक्स से टच न कर जाए। तो इस पॉइंट पर बायोप्रिज्म के माध्यम से टू फ्लोरोसेंट सेमी सर्कल दिखाई देते हैं यानी कि प्रिज्म के माध्यम से सेमी सर्कल देखे जाते हैं। एप्लिएशन टोनोमीटर को तब तक एडजस्ट किया जाता है जब तक कि वो टू सेमी सर्कल है उनके किनारे आपस में टच न कर जाए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस तरह की एक इमेज बायोप्रिज्म के माध्यम से देखी जाती है। वो थर्ड नंबर की इमेज है, यह एंड पॉइंट होता है। तो इसी के आधार पर एक इंट्राओकुलर प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। तो जो डायल रीडिंग होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई करने पे एक इंट्राओकुलर प्रेशर की जो रीडिंग है उसको नोट किया जाता है। नेक्स्ट है पार्किन टोनोमीटर। तो जो पार्किन टोनोमीटर है यह एक हाथ से पकड़ने वाला टोनोमीटर होता है। पार्किन एप्लिएशन टोनोमीटर भी एक गोल्डमैन एप्लिएशन टोनोमीटर की तरह डबल प्रिज्म होता है और इसको ले जाने में भी आसानी होती है और इसको एक स्लिट लैंप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है पैनोमेटिक एप्लिएशन टोनोमीटर। तो एक पैनोमीटर एप्लिएशन टोनोमीटर द्वारा जो कॉर्निया होता है उसके अपेक्स को टच करके और एक इंट्राओकुलर प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। पैनोमेटिक एप्लिएशन टोनोमीटर में एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है। नेक्स्ट है प्लस एयर एप्लिएशन टोनोमीटर। तो प्लस एयर एप्लिएशन टोनोमीटर हैंड हेल्ड और नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर होता है। प्लस एयर टोनोमीटर द्वारा एक पेशेंट को किसी भी पोजिशन में इंट्राओकुलर प्रेशर का मेजरमेंट किया जा सकता है, जैसे कि प्लस एयर एप्लिएशन टोनोमीटर द्वारा एक पेशेंट का स्पाइनल पोजीशन में भी इंट्राओकुलर प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हैं और एक सिटिंग पोजीशन में भी इंट्राओकुलर प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोनोपेन। यह एक पॉकेट एप्लिएशन टोनोमीटर होता है और इसके अंदर एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो कि इंट्राओकुलर प्रेशर को एक इलेक्ट्रॉनिक वेवलेंथ के अंदर कन्वर्ट करता है और एक इंट्राओकुलर प्रेशर की रीडिंग देता है। तो दोस्तों, यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।